ये सब इस आदमी की वजह से आधे से ज्यादा टाइम तो ये ओवर एक्टिंग करता है इसलिए निकल जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग का प्लान है पूरी जाने का। इट हैज बीन नियर अबाउट 8 मंथ्स, हम लोग कहीं बाहर गए नहीं, तो आज बहुत टाइम बाद सबको छुट्टी मिली है एक साथ, तो हाँ आज फिर चलते हैं पूरी। तो आज मैं, सौरभ और निहाल जा रहे हैं पूरी। और निहाल इज ऑल्सो माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ही इज प्रैक्टिसिंग लॉ एट हाई कोर्ट। तो हम लोग का 7 बजे निकलने का प्लान था, अभी 8 बज चुके हैं। आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट, तो अभी सीधे चलते हैं, निहाल को पिक करते हैं और चलते हैं सौरभ के घर और वहां से हम लोग निकलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं पूरी के लिए। सोच रहे थे यार हम लोग पूरी तो निकल गए लेकिन संबलपुर चलते हैं भाई। यार क्या है ना, यहाँ पे अभी फ्लड का सिचुएशन है संबलपुर में, तो वहाँ पे अभी गेट्स खुले हुए हैं डैम के। न्यूज पेपर में उसके बाद हम लोग नहीं आएंगे, सिर्फ खबर आएगी। कितनी बार जाओगे यार, कितने थकेले लोग हो यार। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे मजे ही कर लेते हैं। हम लोग जब साथ में होते हैं मजे ही होता है। फिलहाल टी ब्रेक के लिए रुके हैं भाई। ये ना, ये मैं पैकेट का नाम नहीं लूंगा। यू हैव नथिंग, यू पे 5 to 10 rupees एंड यू गेट दिस मच। गाइज अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं, तो अभी बाहर जाएंगे डिनर करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग और क्या क्या करते हैं। साढ़े 11 बजे तक हम लोग को कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं मिला पूरी में, बट फाइनली हॉलीडे रिसोर्ट ओपन मिला और अभी डिनर हो गया है। अच्छा था डिनर, मटन बिरयानी ट्राई करने के लायक है, बाकी डेजर्ट भी बहुत अच्छा था क्योंकि वो किसी का बर्थडे था, हम लोगों ने ताली भी मार लिया तो मिल गया डेजर्ट फ्री में, तो डेजर्ट के पैसे ही बच गए हमारे। इसीलिए खड़े हैं यार क्योंकि यार यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं पतिता पावन, इसको इसीलिए यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में यहीं पे राजा ने स्थापना की थी, क्योंकि जगन्नाथ सबके भगवान है, यहाँ पे सबका मालिक है, जो एक जो है ये सबके लिए। लोग ने आज नॉनवेज खा लिया तो हम लोग हाँ देख नहीं सके, अंदर जा नहीं सके, मंदिर अभी भी खुला है, 1 बजे तक शायद खुला रहता है, तो इसलिए यहीं से दर्शन करते हैं। गाइज अभी बीच पे है, बहुत रात हो गई और यहाँ पे बहुत सन्नाटा है। हाँ बहुत सन्नाटा है अभी यहाँ पे, यहाँ पे हार्डली कुछ लोग होंगे। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और फिर यहीं थोड़ी देर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग रूम से चेकआउट कर चुके हैं और चल रहे हैं सातपड़ा। तो
कल बीच से आने के बाद हम लोग ने थोड़ी बातें की। सुबह करीब 5:30 बजे तक हम लोग जागे थे, बट वो कैमरा में कैप्चर करने लायक कुछ था नहीं। और अभी सुबह सुबह हम लोग निकले हैं। गेट योर बेल्ट। यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी है, बट आई वुड रिकमेंड कि बच्चे जो है वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम जैसों के लिए अंदर कुछ है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बायोलॉजी स्टूडेंट्स और जूलॉजी स्टूडेंट्स। तो उनके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप आना चाहो तो आ सकते हो। हम लोग ये पोर्ट पे लाइक ज़्यादा बड़ा पोर्ट नहीं है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत पीसफुल है, क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे वीकडेज पे आए हम लोग, and you can really have some good time here. जगह तो बहुत अच्छी है, पर इतनी गर्मी है यहाँ, पसीना हो गए सब के सब। पसीना ही नहीं कर पा रहे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई। मैं नाप लूँगा यहाँ से, देख ये होना चाहिए बहुत बड़ा 30 डिग्री। कॉस कॉस 80 इंटू, अगर मैथ्स अच्छा होता ना कहीं और होते हम। चल कैलकुलेशन मेरा आधा था, खाने सामान था ना, वो भी ऐसे नाप लेते हैं कितना बड़ा है। और वीडियो में लोगों को पता चला तू कितना बड़ा है। अच्छा जगह है, लेकिन यार इसमें यहाँ पे ना हम लोग बोटिंग इसलिए नहीं कर सकते, पानी बढ़ गया है, डर लग रहा है। हैपेंस टू बी द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक। सीजनल बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। यार हम लोग जो वहाँ पे गए थे, हाँ चिली का ढाबा, हाँ पे कितना अच्छा, सही तो दूसरी तरफ था ना, वो दूसरी तरफ है, आज जा भी नहीं सकते, टाइम की पाबंदी है। अभी यहाँ आने का मौका मिले तो चिली का ढाबा जरूर जाइएगा, रिकमेंडेड है। हम नहीं जा रहे हैं आज क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी हम लोग वापस पूरी आ चुके हैं। वहाँ पे जो भी होटल या ढाबा थे, इतनी ह्यूमिडिटी में वहाँ पे खाना, इट वाज लाइक नॉट पॉसिबल। तो हम लोग वापस पूरी आ गए हैं, और अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे भाई। वैसे भाई और कहीं ट्राई मत करो, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं है। हाँ भाई वहीं पे चलते हैं यार, मुझे तो नींद आ रही है भाई। अभी बोला था मूवी चलेंगे, कौन सी मूवी? वो तो रात में चलेंगे ना। हाँ रात में तू जैसे जगह पे रहेगा। तो गाइस अभी फिर से हम लोग का कट चुका है, टी गार्डन भी बंद है। तो अभी पता नहीं कहाँ पे जाके लंच करना है, क्योंकि अभी 4:30 बज चुके हैं, तो इसीलिए टी गार्डन भी बंद हो गया। चाय पीते हैं हम लंच करें। हाँ अभी हम लंच करने आए यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करने गए थे तो उसने बोला कि यहाँ पे लंच मिलता है। अभी लंच करने आए तो वो बोल रहे कि नहीं लंच नहीं मिलेगा। अभी हमारी गाड़ी एक मील पीछे चल रही है, ये सब इस आदमी की वजह से। आधे से ज्यादा टाइम तो ये ओवर एक्टिंग करता है, इसलिए निकल जाते हैं भाई। तो गाइस अभी हम लोग ब्लू फ्लैग बीच पहुंच चुके हैं। 6:30 को सोच रहे हैं कि तुम वही वापस जाए और वहाँ पे जाके लंच करें, मतलब लंच तो नहीं बोल सकते, बट कुछ खाया नहीं सुबह से, तो 6:30 बजे ही जाके वहाँ पे फिर लंच ही करेंगे।
सो गाइज अभी पूरी से वापस आ चुके हैं एंड आई एम डेड टायर्ड राइट नाउ. सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट मैं आगे जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके. सो विद दैट सेड, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज. जय हिंद, जय जगन्नाथ.